सरकार कितने ही दावे करे लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर हालात अभी ठीक नहीं है। इंदौर में कुछ लोग अपने कोरोना पीड़ित रिश्तेदारों को तलाश रहे हैं तो कहीं अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। हर तरफ समस्या ही समस्या है। ये हाल है इंदौर के MTH हॉस्पिटल का। किसी की लाश नहीं मिल रही तो किसी का पेशेंट ही गायब है। संक्रमित लोगों के परिवार वाले इसको लेकर परेशान है। किसी की कोई सुनने वाला भी नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे है। अस्पतालों के हालात बताते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर हालात अभी सुधरे नहीं है। सरकार जो दावे कर रही है उनमें भी दम नजर नहीं आती है। उसका डिस्चार्ज कार्ड भी नहीं दे रहे। मैं बोल रही हूं डिस्चार्ज कार्ड दो, यहां पे हिंदी में बता दो मुझे। तुम भी नहीं बता रहे। हीरा लाल गोलिया परदेशी पूरा पॉजिटिव थे सर। वो 14 मई को एडमिट किया था उनको और पॉजिटिव थे। वो प्लाज्मा थेरेपी भी हुई है उनकी। तो अब क्या बोल रहे हैं आप? पेशेंट ही नहीं है, बोले ठीक हो गया था, हमने भेज दिया, आप आके ले गए। पहुँचे ही नहीं है पेशेंट। सर लापरवाही है, बेवकूफी, बेवकूफ समझ के रखा है। किट पहन के घूम रहे हैं बस। ना पेशेंट की देखभाल करनी है ना कुछ करनी है। 60 वो आंटी का वो रो रही बेचारी। उनकी बेटी के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपके कौन है? मामा जी है मेरे। आपको कौन सा? मेरे भाई है। क्या नाम है? प्रेम। कब भर्ती करा था? 5 दिन पहले किया था, 6 दिन पहले। परसों के दिन उसको लेके गए क्योंकि ये लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। मेरे पास वीडियो ऐसे ही पटक के रख रखा था। सामने वाला नहीं उठ रहा था, उसको कुछ नहीं उठा भी नहीं रहे। और अभी कल से पटक रखा है उसको और आज लोलिया की डेथ हो गई। और डॉक्टर से बात करने को बोला तो डॉक्टर बात नहीं कर रहा है। हेलो, क्या नाम? अच्छा, उम्र क्या थी उनकी? 32 साल उम्र। वो ठीक से बोल रहे हैं? अरे गंदी जी तरीके से पेशेंट को रोक रहा था ना कि बड़े कभी एक भी सकते पेशेंट को। मैं और जो ब्लड प्रेशर शुगर पेशेंट जो उनको दवाई नहीं दे पा रहे हैं क्या? अभी उसको पटक रखा है और रिपोर्ट नहीं दे रहे ना। बता रहे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। सुबह से कॉल कर रही हूँ कि बात करवा दो या दिखा दो वीडियो कॉलिंग पे भाई को कि क्या है क्या नहीं है। नहीं बात कर पा रहा है तो वो भी नहीं कर रहे। बात कर रही हूँ आपकी जानकारी कैसे मिली की बॉडी क्या फोन होने की डेथ हो गई? मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हुए बैठे हुए? भाई ने बताया उनको कॉल किया हॉस्पिटल से। हाँ भाई, आप दो है, एक ये है और एक अंदर है। ये बड़े हैं कि छोटे? छोटा है, वो बड़ा है। आपका नाम क्या है? वर्षा। और उनकी शादी शुदा है? हाँ शादी शुदा है, एक बच्चा है उसका 3 साल का। ये दोनों अलग अलग हो क्या? आप लोग भाई है दोनों अलग अलग? ये परसेंटा ये पालना अभी सर। और वो एसडीएम सर को कंप्लेन किया है तो वो फोन सुनने को तैयार नहीं है। तो कुर्सी पे क्यों बैठे? कुर्सी तोड़ने के लिए बैठे हैं क्या वो? उनको जब कॉल किया है तो बोल रहे हैं अभी मैडम बिजी हूँ मैं। अरे हमारा पेशेंट घूम गया है, कम से कम सुन तो लो हमारी बात। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।